जो भी है कि कोई भी किसी को करका स्लैगनेस आ जाएगा। मैं गोपालचक में था, इंडिकेटर है। हम लोग एमपीएस से मंगाए थे सर। स्लैगनेस मींस लूज हो जाएगा, लूज हो जाएगा सर। इन केस ऑफ स्टकनेस ऑफ स्कीप ऑफ केज इन्हें गार्ड रहे ऑन दैट टाइम। कैसे कैसे करेगा काम? पहले तो सर शुरू किए थे 260 था ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें 80 रुपये है। इनसे जो वाइंडर ड्रम है, ड्रम से ये रोब निकल रही है, वो आपके हेड गियर के थ्रू वो केज के साथ कनेक्ट है। वो रेल में मान लीजिए आपका स्टक कर गया, तो उस समय क्या होगा, डोली स्टक कर जाएगा, बाकी ड्रम तो ऑलरेडी वो मूव करते जाएगा, वो रिलीज होते जाएगा रोब। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपका टच करेगा, ड्रम टच कर जाएगा उस समय आपका ऑडियो विजुअल जो इस पर लोड को सेंस करेगा, जस्ट लोड आ जाएगा, ऑडियो विजुअल एलार्म चला जाएगा वार्निंग इंजन ऑपरेटर के पास। इसके साथ इंटर ट्रिपिंग सिस्टम भी है, इंजन भी बंद भी कर सकता है ड्रम वाइंडर के लिए। ड्रम वाइंडर के जो रोप इसमें टच करेगा, हाँ, रोप इसमें टच, इसमें ये है ना, इस पे टच करेगा, लोड आएगा, लोड आएगा उसपे। ये जितपुर को लेरी में हम लोग बॉटम एस शुरू किए हैं। सैंड का अवेलेबिलिटी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, तो हम लोग इनिशियली स्टार्ट किए थे इन एसोसिएशन विद सिम्फर 30% बॉटम एस और 70% सैंड से। तो सैंड तो सब करते ही हैं। मॉर्निंग सर। तो इसमें दो पैरामीटर्स बहुत ही जरूरी है, इसका है कि कार्बन कंटेंट क्या है बॉटम एस में, और दूसरा है कि इसका फाइंस कितनी है। तो जो सिम्फर का हम लोग स्टडी कराए थे तो बोले कि आप इसको फाइंस को 53 माइक्रॉन से लेस हैं, 10% के अंदर, और बाकी कार्बन कंटेंट हमारा 2-3% है, तो कोई इशू नहीं है। सबसे ज़्यादा है इसका कि हमारा फाइंस को रोकना, फेस में फाइंस को रोकने के लिए हम लोग पहले हेशियन क्लॉथ यूज़ करते थे, लेकिन हेशियन क्लॉथ इफेक्टिव नहीं है स्टोइंग के लिए। तो इस हेशियन क्लॉथ को हटा के हम लोग सर ये HDPE रोबस्ट नेट को यूज़ कर, इससे फाइंस रिटेन हो जा रहा है फेस में, इवन इफ हमारा जो सम्प एरिया में बहुत कम, लेकिन हम लोग इसको ना जाए अपना सम्प एरिया में, उसके लिए पूरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे हम लोग बैरिकेड्स को थोड़ा अरेंजमेंट स्टोइंग में किए हैं। पहले सैंड के साथ हम लोग ऑल अलॉन्ग दी फेस पूरा एक साथ स्टोइंग कर लेते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग को 100 मीटर का जो फेस है उसको 4 पार्टीशन में डिवाइड किए, और फिर 25-25 मीटर का करके इसको कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत इफेक्टिव है सैंड, जब लास्ट टाइम लिए थे प्रोक्योर कर रहे हैं दैट वाज अराउंड 600 पर टन, और ये लैंडेड कॉस्ट हम लोगों को पड़ता है 200। पूरा सीमेंट जैसा हो जाता है। सैंड क्या होता है, जैसे ही ड्राई हो जाता है वो फिर यहाँ से फिर ये क्या है ना, हेशियन क्लॉथ फट के फिर यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, प्लस हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग एंड दैट कम्स अराउंड रफली 200 पर टन। थर्मल पावर प्लांट का नीचे में जो उसका जो है ऐसे वही है, बस थर्मल पावर प्लांट का वो चाहता है ऐसे एनवायरमेंट से, मतलब कोयला उसको दे रहे हैं वो हमको वापस दे रहे हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक ये स्टॉल बोलिएगा इनोवेटिव प्रतिकूल परिस्थितियों में कोयला खनन करने वाले हमारे तमाम श्रमिक जिन्होंने
गियरबॉक्स उद्योग ने देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हुए अपने जीवन में निष्ठावर कर दिया है। उन सहयोग की स्मृति में हम ड्यूरिंग स्पीड का वर्किंग मॉडल हो गया ना गणेश वंदना की शादी आज से इस कार्यक्रम आरंभ होगा। उस सीजो में हम लोग चार जगह लगा दिए मंगलवार को 600 लेके आए। बेसिकली हम लोग जो है जब एक ड्रम बाकी रहता है उस टाइम में हम लोग क्या किया फिर एक सेंसर लगाया स्पीड में 0.5 मीटर पर सेकंड में वो स्पीड को पकड़ लेगा। स्लो बैंकिंग जोन सर इनकी डिप्टी डायरेक्टर जनरल सेंट्रल जोन डिप्टी डायरेक्टर जनरल मैकेनिकल और अन्य निर्माण कार्यक्रम पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा ध्वज की ओर अग्रसर हो साथ में विभिन्न क्षेत्रों बीसीसीएल के हमारे 12 क्षेत्र बहुत से रीजन साथ में टाटा और सेल की तरफ से जो स्टॉल लगाए गए हैं मैन राइडिंग सिस्टम है 1250 मीटर का डिस्टेंस से कवर करता है 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड से लगभग चलता है। कैरिंग कैपेसिटी 24% का है 24% को लेके जाता है। सचिन कोड ऑफ सिग्नल है हाविस के हमको घंटी मारा यहाँ से सिग्नल जाता है कंफर्मेशन के लिए फिर से घंटी देता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष और दो सेफ्टी डिवाइसेस है अंडर ट्रेवल है तुम करो इसको हिलाना पड़ेगा या तुम हिलाओगे तो जब जो
बाद में आता है। वो प्लास्टिक हटा दो, प्लास्टिक प्लास्टिक। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप मंच के पास आ जाएं। इसको सामने कर दीजिए। Sightings. So that is the Situa sightings. We have got strategic positions installed of